आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 5। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय और जोया जो एक ही कॉलेज से साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, एक रोज कॉलेज जाते वक्त उन्होंने देखा कि फिरोज नाम के एक लड़के को लड़कों का एक झुंड मार रहा था। जय और जोया ने फिरोज को लड़कों से बचाया और वजह पूछी। वजह में फिरोज ने बताया कि फिरोज एक हिंदू धर्म की लड़की से प्यार करता है जिसका नाम सीमा है, और उन दोनों की ही शादी से उनके घर वालों को तो कोई एतराज नहीं, लेकिन हाँ, धर्म के कुछ ठेकेदार उनकी शादी को लव जिहाद का नाम देकर ना होने का फैसला ले चुके हैं। वहीं एक फैसला जय ने भी लिया, जिसमें उसने फिरोज से वादा किया कि उसके होते इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। अब आगे फिरोज जय से उसकी शादी का वादा लेकर जय और जोया के पास से चला गया। फिरोज के जाने के बाद जय ने जोया से पूछा, यार ये बताओ, प्यार के रास्ते में ये धर्म और मजहब क्यों आ जाते हैं? जोया ने थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, जय तुमने सही कहा कि प्यार के रास्ते में मजहब की दीवारें क्यों आ जाती हैं? आखिर कोई क्यों प्यार को समझने की कोशिश नहीं करता है? वैसे तो हर धर्म और मजहब आपस में प्रेम करने की सीख देते हैं। जय ने भी जोया की कश्मकश देखने के बाद सवाल किया, जोया अगर तुम्हारे सामने ऐसे हालात हों तो क्या तुम आगे बढ़कर अपने प्यार का साथ निभाने की हिम्मत जुटा पाओगी? जय की बात सुनते ही मानो जोया को झटका सा लगा। जय के मुंह से निकली इस बात से जोया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद जोया ने कहा, पता नहीं जय मैं क्या करूंगी, लेकिन हाँ, अगर प्यार सच्चा हुआ तो मैं उसको पाने की हर संभव कोशिश करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे समाज से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जोया की बात सुनने के बाद जय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई, चलो अब हॉस्टल चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। जोया ने भी जय की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वाकई बहुत देर हो गई है, चलो अब निकलते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने हॉस्टल के लिए निकल गए। हॉस्टल पहुंचने के बाद जय काफी देर तक अपने बेड पर लेटा रहा, जोया की बातों को सोचने लगा। जय को लग रहा था कि जोया वाकई आज के दौर की लड़की है जो खुली हवा में सांस लेना जानती है। इसी दौरान एक दिन एक लड़का जय को आवाज देकर कहता है, जय भाई जरा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जय जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, सामने फिरोज के साथ मारपीट करने वाला मोहन खड़ा था। उसे देखते हुए जय ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे रास्ते में आवाज देकर मुझे क्यों रोक रहे हो? मोहन ने जय के करीब आते हुए कहा, जय भाई मेरा नाम मोहन है, मैंने आपके बारे में कॉलेज में मालूम किया, तब मुझे पता चला कि आप बहुत नेक और सज्जन इंसान हो और साथ ही मेरे धर्म के भी हो। आपके कहने का क्या मतलब है मोहन जी, साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे अब इतने भोले भी मत बनिए जय भाई, चलिए जब आप कह ही रहे हैं तो आपको बता ही देता हूँ, सीमा मेरे मोहल्ले की है और मेरी जाति की भी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो कमबख्त फिरोज नाम के गैर मजहबी लड़के से प्यार करती है। अरे बात अगर यहाँ तक भी रहती तो ठीक था, लेकिन दोनों के घर वालों को इससे कोई एतराज नहीं है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि दोनों के घर वाले जल्द ही सीमा और फिरोज की शादी भी करने वाले हैं। जय भाई अगर ऐसा हुआ ना तो देखना पूरे शहर में बवाल मच जाएगा। जय ने मोहन की बात गंभीरता से सुनते हुए कहा, मोहन ये बताओ सीमा तुमसे प्यार करती है? नहीं ना। उसके घर वाले तुमको पसंद करते हैं? नहीं ना। फिर तुम किस हक से कहते हो कि तुम सीमा की जिंदगी के हमसफर बनोगे? यार सिर्फ जाति धर्म का एक होना ही सब कुछ तो नहीं होता ना, सबसे जरूरी है दिल का मिलना। अगर तुमने जोर जबरदस्ती से शादी कर भी ली तो क्या सीमा को तुम खुश रख पाओगे? एक बात बताओ मोहन, कब तक हम हर बात को ताकत के बल पर मनवाते रहेंगे? कभी सोचा है कि दिलों को जंग से नहीं प्यार से जीता जाता है? मैं समझ सकता हूँ कि तुम सीमा से प्यार करते हो, लेकिन तुम किसी के दिल में लड़ाई झगड़ा करके तो प्यार नहीं जता सकते ना। इसीलिए मेरे भाई मेरा यही मशवरा है कि नफरत की आग में प्यार को खाक मत होने दो। जय की बात सुनने के बाद मोहन काफी देर तक खामोश मूरत बनकर खड़ा रहा।
और कुछ देर बाद बिना बोले वहां से चला गया। जय भी उसके जाने के बाद आगे बढ़ गया। अगले दिन पसीने से तरबतर फिरोज भागता हुआ सीधा जय और जोया के पास आया। पास आते ही वो उत्तेजित आवाज में बोला, सर आपने तो कमाल कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी या फिर बस ऐसे ही मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे? सर कल शाम को मुझसे मोहन मिलने आया था, वो भी एकदम अकेले। पहले तो वो काफी देर तक कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो जिंदगी भर तुम सीमा का ख्याल रखना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आवेश में आकर थोड़ा बहक गया था। जैसे मिलकर मुझे पता चला कि प्यार धर्म और जाति से कहीं ऊपर है। मैं तो अब तक यही समझता था कि मेरी जाति की है तो उस पर सबसे पहला हक मेरा है, मगर अब मुझे समझ आ रहा है प्यार एक ऐसा पवित्र एहसास है जो खुद ब खुद उमड़ता है। फिरोज देखो, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि सीमा से तुम्हारी शादी कराने की जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद मुझसे गले लगकर मोहन वहां से चला गया। फिरोज की पूरी बात सुनने के बाद जय के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। उसने खड़े होकर फिरोज को गले से लगाते हुए कहा, ये हुई ना बात मेरे दोस्त, वाकई आज मोहन ने साबित कर दिया कि अगर इंसान को सही रास्ते के बारे में सकारात्मक तरीके से समझाया जाए तो वो सही रास्ते पर आ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर जी, आपकी बातों में तो ऐसा जादू है जो पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती है। इतनी बड़ी मुश्किल को आपने चुटकियों में इतना आसान बना दिया, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जय, अरे ऐसी बात नहीं है फिरोज, ये तुम लोगों के सच्चे प्यार का नतीजा है जो एक दूसरे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे मैं तुम्हारे माता पिता को सलाम करना चाहता हूँ, जिन्हें शादी से कोई एतराज नहीं है। जोया ने भी फिरोज के चेहरे पर सुकून देखने के बाद कहा, फिरोज सीमा को हमेशा खुश रखना, सीमा तुम्हारे प्यार के सहारे ही समाज से लड़कर शादी करने का निर्णय ले रही है। आखिर तुम्हारे ऊपर दो तरह की जिम्मेदारी आने वाली है, इसीलिए तुम दोनों को निभाने की कोशिश अच्छी तरह से करना। जोया की बात का मतलब समझने के बाद फिरोज ने पूरे विश्वास से कहा, आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, अगर इन रिश्तों में जरा भी ऊंच नीच हुई तो लोग हमारा जीना मुहाल कर देंगे। इस बीच जय ने कहा, वैसे शादी कब करने वाले हो फिरोज, हमें भी अपनी शादी में बुलाओगे? कैसी बात करते हैं सर, आपके बिना तो शादी में रौनक ही कहाँ आएगी, आप दोनों तो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, आपको बुलाना मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद फिरोज ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना। ये कहता हुआ फिरोज वहां से चला जाता है। आपने सुना कि जय और जोया ने फिरोज को शादी का वादा किया। अब तो मोहन भी, जो अब तक फिरोज का दुश्मन बना बैठा था, वो भी उसके शादी के हक में आ चुका है। पर क्या ये तीनों मिलकर भी फिरोज और सीमा की शादी करवा पाएंगे? जानने के लिए जरूर सुनिएगा कैंडल लाइट ट्रिकिन का अगला भाग। और हाँ, अगर आपको भी कहानियां लिखने का शौक है और उन्हें सुनाने का हुनर रखते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।